सूबे अंदर गोली चलन दीआं घटनावां आम हो चुकियां हन। अगर गल कीती जावे तां सरहदी जिला फिरोजपुर दी तां फिरोजपुर विच आए दिन गोली चलन दीआं घटनावां सामने आ रहियां हन। ताजा मामला फिरोजपुर दे कस्बा ममदोट दे नेड़ले पिंड टिब्बी खुर्द तो सामने आया है, जिथे लेबर दे मामूली झगड़े नूं लैके दो धिरां दा आपसी झगड़ा हो गया अते झगड़े दौरान गोली चल गई, जिस विच एक व्यक्ति दी मौत हो गई अते दूसरा गोली लगन कारण गंभीर जख्मी हो मौके ते पहुंची पुलिस वल्लों मामले दी जांच कीती जा रही है। अज फिरोजपुर दे कस्बा ममदोट दे पिंड टिब्बी खुर्द विच गोली चलन दा मामला है, जिथे मंडी च दो आड़तियां विचाले लेबर दी वंड नूं लैके चली गोली दौरान फसल बेचण आए किसान किरपाल सिंह वासी जोधपुर दी इलाज दौरान मौत हो गई। इस घटना के दौरान आरती सूरत सिंह का पुत्र गुरचरण सिंह भी गोली लगन कारण गंभीर रूप में जख्मी हो गया, जिसनों इलाज के लिए फिरोजपुर के सिविल हस्पताल विच दाखिल करवाया गया। इस संबंधी जानकारी देंदे जख्मी गुरचरण सिंह अते उसके पिता सूरत सिंह ने दसिया कि पिंड टिब्बी खुर्द विखे बीते रात दो लेबर का झगड़ा हो गया सी अते जदों मंडी विच पहुंचे तो उत्थे टिब्बी खुर्द का आड़तिया करनैल अते उसका भतीजा हरपाल भी पहुंच गए अते झगड़ा करन लगे। इस दौरान उसका बेटा गुरचरण भी उत्थे पहुंच गया अते जोधपुर दा किरपाल सिंह अते गुरशरण हत्थों पाई हो गए। इस दौरान पिस्तौल चो गोली चल गई, जिसका यह पता नहीं चलिया कि गोली किस दे पिस्टल चो चली है, जिस तो बाद दूसरी धिर ने भी उन्हां ते गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां, जिस विच उसका बेटा गुरशरण गंभीर जख्मी हो गया, जिसनों इलाज लई सिविल हस्पताल लिया गया है। उधर दूसरी धिर नाल जदों गलबात करन दी कोशिश कीती गई तो उन्हां कहा कि वह इस हालत विच कुछ नहीं बोल सकते। दसिया जा रहा है कि दूसरी धिर दे एक व्यक्ति किरपाल सिंह जोधपुर दे इलाज दौरान मौत हो चुकी है। मौके ते पहुंची पुलिस वल्लों मामले दी जांच कीती जा रही है। थाना ममदोट दे SHO मोहित तवन ने दस्या कि पिंड टिब्बी खुर्द विखे गोली चलन दा मामला सामने आया, जिस विच किरपाल सिंह वासी जोधपुर दी गोली लगन कारण मौत हो गई। ओ मामले दी जांच कर रहे हन अते बंदी कारवाई कीती जावेगी। ओ किते लेवर रात विच रात आप विच दोवें लेवरां लड़ियां ने, ओ लेवर वालों नूं पता किस करके लड़ियां ने, ओ सवेरे उत्थे पंचायत इकट्ठी होई है ते उत्थे बंदे सारे बैठे सी, उत्थे मैं भी आया ते मैं उत्थे आ के बैठा ते ये टिब्बी वाले जेडे आड़ती ने करनैल दा चाचा दूजा भतीजा हरपाल ते अपना जिंदर ते गुरभेज ये सारे ना सारे उत्थे बंदे कट्ठे किए। सानू नहीं सी पता भी उत्थे ये भी बंदे लड़ाई का मनसूबा बनाई बैठे ने। मैं उत्थे जाके बैठा, मैं भी मैनू नहीं पता, मैनू रात फोन किया इन्हें भी इस तरह लेबर लड़, मैं भी मेरी लेबर लड़ी, मैनू पता नहीं नींद मैं गा सी नल मैं ठीक नहीं सी कुछ। तो मैं उत्थे आया तो ये जी तू राती आया नहीं साडा साढ़े गल पै गए ने बंदे हो, मैं तुम मैनू किसी गल का नहीं पता, मैनू गल दसो तुम आप जिनकी गलती है वनू आप सज़ा जिमें सरकारी सारी पंचायत आखे कि दे देंगे, पर इहना कोई गल ही नहीं सुनी, ये उल्ट पुलट बोलन लग गए ने। मगर कि मेरा बेटा आ गया, उन्हें आया यार तुम हिसाब नाल गल करो, जी गल करो तो आप फैसला हो जाता है। इतों इन्हों के नाल आया असी बंदा पता नहीं वो हैगा जोधपुर का, वो इन्हें गल पै गया, इन्हें गल पै गया इतों गल इन धक्की लग गया पिछे, इन्हें कोल पिस्टल हैगा सी वो पता नहीं हूँ वो तक है उन्हें उन्हें जदों दूजा एक दूजे के गल पै गए ने उन्हें जो मैनू पता लगा मैं भी उधरों मैं कौन बोलते पेने मैं गया तो उन्हें चर मैं जफ्फी पाया मैं ना जान दो ये पता नहीं हूँ उन्होंने हथें भुखे किंदे कोल चल गया पिस्टल चल गया तो एक ही चली है ये। फिर जदों इन्हां नूं पता लगा ये सारे तिने चारे भरा मगर दो इन्हां कोल सी दनालियां दोनों कोल पिस्टल से साढ़े मगर लागे ने असी भज के जान बचाईए फिर भी कार च वड़द्या वड़द्या इन्हां मेरे बेटे नूं गुलशन गोली मारती जिहड़ी उह हत्थ ते पैर दे विचों लंघ गई जी। सानू अजे तक इनफॉर्मेशन मिली है कि एक किरपाल सिंह है पुत्र प्यारा सिंह ये जोधपुर पिंड का रहने वाला है, इहदी डैथ हुई है गनशॉट इंजरी है तो असीं इत्थे हॉस्पिटल आए हैं तो वेरीफाई कर रहे हैं। अगली डिटेल्स तुहानू थोड़ी देर तक इनवेस्टिगेशन हो जाए जी फिर डिस्कलोज़ करांगे।